छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में क्लस्टर प्रभारी राजेश मूणत ने क्लस्टर की बैठक को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सभी लोकसभा क्षेत्र में भाजपा आगामी चुनाव के लिए तैयार है और सभी 11 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव कार्यालय खोल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में भी कार्यालय का गठन करना है, जिसके लिए निचले स्तर तक मजबूत करने की तैयारी चल रही है। वहीं न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस में गुटबाजी को लेकर विधायक राजेश मूणत ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गुटबाजी की जननी है, जहां व्यक्ति और परिवार पर आधारित राजनीति चलती है। इसी क्रम में विधायक राजेश मूणत ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के CAA बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, जो अपने बपौती मानकर चल रहे थे उन्हें जनता ने निपटा दिया है, अब लोकतंत्र का पूरा ख्याल रखा जाएगा। रायपुर से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। सामान्यतः पूरे लोकसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव के लिए तैयार हो गई। छत्तीसगढ़ को 3 क्लस्टर में बांटा गया है। एक क्लस्टर का प्रभारी मैं स्वयं हूँ, एक में अमर अग्रवाल जी हैं, एक में अजय चंद्राकर जी हैं। 11 लोकसभा क्षेत्र को 3 क्लस्टर में विभाजित करने के उपरांत हमने पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर लोकसभा के अंदर 11 लोकसभाओं में कार्यालय का लोकार्पण कर चुके हैं। हमारी गतिविधियां बढ़ गई है। नीचे स्तर पर विधानसभा में कार्यालय का गठन करना, जो हमने लगभग 34 कमेटियां बनाई हैं, उसको लोकसभा के बाद में विधानसभा तक स्तर पर चुनाव की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसको इम्प्लीमेंट करना, और नीचे तक हमने अपना वॉल राइटिंग अभियान प्रारंभ कर दिया। हमने बूथों की बैठक लेना कर दिया, घर घर चलो अभियान प्रारंभ कर दिया। केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर के जो हितग्राही है उनसे संपर्क अभियान भी हमारा प्रारंभ हो चुका।